कुरुक्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी नवीन जिंदल ने नामांकन दाखिल करने के बाद भारत 24 से खास बातचीत की, सुनिया। नवीन जी, बहुत बहुत मुबारक हो। जिस तरीके से आज आपने बड़े लाव लश्कर के साथ नामांकन पत्र दाखिल किया, आगे क्या लक्ष्य लगता है आपका? देखिए, अब हमने अपना चुनाव प्रचार शुरू किया है आज से, तो आप देखेंगे कि आप जो है अब 25 मई तक और 23 तक जो है हम प्रचार कर सकते हैं। तो हम पूरा जो है अब लोगों के अंदर एक बहुत जोश है और लोग जो है अपने आप भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो हमारी पार्टी की रीढ़ की हड्डी है और कार्यकर्ता ही चुनावों को जीतते हैं। तो मैं कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस चुनाव में हम भाग लेंगे, अपना संदेश हम जनता जनार्दन के बीच लेके जाएंगे और जहाँ जहाँ अभी तक गए हैं जनता का बहुत हमें आशीर्वाद और प्यार मिल रहा है। देखिए, जिस तरीके से विपक्ष ये प्रचार कर रहा है कि नवीन जिंदल 10 साल तक जनता के टच में नहीं थे, अब एकदम से प्रचार करने के लिए आए हैं, अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं, इस बारे में क्या जवाब देना चाहिए? देखिए, ये अनर्गल बातें वो करते हैं। मैं 10 साल नहीं, हमारे यहाँ लोगों से 30 साल पुराना रिश्ता है। 30 साल से हम लोगों के दुख सुख के साथी हैं। मेरा ये परिवार है और मैं यहाँ के परिवारों का सदस्य हूँ, तो इसलिए विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, कुछ बोलने को नहीं है और उनको जो है भय लगता है। उनको भारतीय जनता पार्टी से भी भय है, उनको नवीन जिंदल से भी भय है कि ये जो है लोग जो है यहाँ पर नवीन जिंदल को बहुत चाहते हैं, तो इस तरह की वो अनर्गल बातें करते हैं। तो देखिए, बहुत थोड़े समय में आपने बहुत ज्यादा तरक्की की है, विश्व के मानचित्र पर एक अलग नवीन जिंदल का नाम उभरा है, इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? देखिए, कोई भी हम काम करते हैं उसके पीछे पूरी टीम होती है, उसमें जो है बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद होता है। हमने जीवन में जो भी किया अपने पिताजी ओम प्रकाश जिंदल जी से प्रेरणा लेकर के किया, ये सब उन्हीं का आशीर्वाद है। अब माँ जी का आशीर्वाद है और इसके अंदर लाखों लोग जुड़े हुए हैं। लाखों लोग जो है आज कंपनी के माध्यम से भी जिंदल समूह में लाखों लोग काम करते हैं, उन सब की मेहनत है। जो हजारों लोग जो जुड़े हुए हैं, लाखों लोग जुड़े हुए हैं, उन सब का जो है मिल करके जो मेहनत करते हैं उसी का ये परिणाम है कि हम ये सेवा कर पा रहे हैं और आने वाले समय में और हम सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि जरूरतमंद की सेवा ही सही मायने में ईश्वर की पूजा है। ये थे नवीन जिंदल, जो कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं और प्रमुख उद्योगपति है। इनका कहना है कि जल्द ही कुरुक्षेत्र के अंदर एक कौशल विकास केंद्र खोला जाएगा जिससे ट्रेनिंग लेकर युवा देश के साथ साथ विदेशों में भी अपना नाम चमका सकेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज कुमार के साथ डॉक्टर थानेश्वर शर्मा, कुरुक्षेत्र।